नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती सुर लगातार देखे जा रहे हैं। इस बार तो सचिन पायलट ने हद ही कर डाली। सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी, यानी कि अपनी ही पार्टी को गिराने में इस वक्त सचिन पायलट तुल गए हैं। ऐसे में आलाकमान काफी ज्यादा खफा है। एक और तो ये समझा जा रहा था कि अगले विधानसभा चुनाव जो कि साल के अंत में होने वाले हैं, ऐसे में सचिन पायलट को सीएम पद का उम्मीदवार माना जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट के इस बेबाक रवैये, इस बयान के बाद अब आलाकमान भी काफी ज्यादा चौकन्ना है, काफी ज्यादा सोच में पड़ गया है कि क्या सचिन पायलट पर कार्रवाई करें या फिर सचिन पायलट जिस चीज की मांग कर रहे हैं उन्हें वो सौंप देना चाहिए। कैसे सचिन पायलट ने सरेआम अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के युवा और कद्दावर नेता सचिन पायलट अब खुल करके अपनी बात सियासी मोर्चों पर नहीं बल्कि पार्टी आलाकमान के सामने भी रखने लगे हैं। हालांकि उनके इस फैसले से पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुत हद तक सही नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट का कहना है कि मैं राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग लगातार कर रहा हूं। इस मसले पर हमें जन समर्थन भी मिल रहा है जिसका पार्टी को फायदा मिलेगा। साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मैंने सबको मनाया, उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। जब सरकार बनी तो प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री हो जाता है। पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने लगातार भ्रष्टाचार के मसले पर आवाज उठाई, लेकिन हमारी अपनी ही सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं करप्शन और भ्रष्टाचार का मुद्दा नियमित रूप से पार्टी और पब्लिक मंचों पर उठाता रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, उन्होंने कहा कि ऐसे में आगे भी लगातार करता रहूंगा। उनके ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी को चुभने लगी। बताते चले कि कांग्रेस सचिन पायलट के इस बर्ताव से काफी ज्यादा खफा है। सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही सियासत का पोल खोल दी है। सियासत की पोल पट्टी खोलने के बाद कांग्रेस में किस तरीके से राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, अशोक गहलोत के सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, सचिन पायलट ने पब्लिकली मंच पर खड़े होकर इन तमाम बातों का जिक्र किया। राजस्थान में पेपर लीक भ्रष्टाचार की वजह से हुआ, और जब तक हम व्यवस्था में मौलिक बदलाव नहीं लाएंगे और कंट्रोल पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। ये बोल थे सचिन पायलट के। आगे कहा कि पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर हम परवाही पैच पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर हम प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि भ्रष्टाचार कंट्रोल के खिलाफ कार्रवाई करने का यही सही समय है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर 40% भ्रष्टाचार सरकार का आरोप लगाया गया। इसके बाद उन आरोपों को लोगों ने सच माना। यही वजह थी कि भारी संख्या में मतों के साथ कांग्रेस ने बाजी मारी और कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। अब जब हम सरकार बना रहे हैं तो हमें कार्रवाई करनी होगी। मैं ठीक वही मांग कर रहा हूं राजस्थान के लिए भी। यह काम हम पिछले 4 साल से करते आए हैं। फिलहाल बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट के इस दाव से कितना सरकार को नुकसान होने वाला है। क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा से आएगी? अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जहां एक और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए अपने दाव पेच खेल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के इस दाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नीचे खिसकती हुई नजर आ रही है, और इसका फायदा सीधे बीजेपी को होने वाला है। इसलिए बीजेपी सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को काफी ज्यादा अहम मान रही है, उस पर नजर गड़ाए हुए टिकी है। लेकिन अगर इसमें सर्वे की बात कही तो क्या कहता है सर्वे, या यूं कहें कि क्या कहते हैं राजस्थान की जनता सचिन पायलट के बारे में और क्या सोचते हैं? आखिर अगर सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा को शुरुआत किया है, अगर जनसंघर्ष यात्रा का, तो ऐसे में राजस्थान की सियासत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा या फिर कितना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट के बगावती सुर देखे जा रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त जनसंघर्ष यात्रा हो रही है। ये यात्रा बिल्कुल
भारत जोड़ो यात्रा की जैसी ही नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जैसे भले ही सचिन पायलट की ये जन संघर्ष यात्रा है, लेकिन पोस्टर में राहुल गांधी का कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं है। तस्वीर भी राहुल गांधी के बगैर केवल सोनिया गांधी के पोस्टर में नजर आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सचिन पायलट के इस कदम से क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या नहीं। इसके लिए एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने एक सर्वे निकाला। सर्वे में ये बात करने की कोशिश की लोगों से कि क्या इस पूरे मामले में राजस्थान की जनता क्या सोचती है कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा और कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। दरअसल अक्टूबर के महीने में 2023 में ही विधानसभा का चुनाव है, यानी कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं जब कांग्रेस पार्टी की किस्मत का आकलन अब राजस्थान में किया जाएगा। कर्नाटक की जीत के बाद यूं तो कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि राजस्थान में यहाँ कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बट चुकी है, पहली सचिन पायलट और दूसरी अशोक गहलोत। यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ना तो सचिन पायलट के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ कदम उठा पा रहे हैं। यही वजह है कि अब राजस्थान में सरकार गिरने की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। इसी के लिए जब सर्वे करवाया गया तो 1034 लोगों की राय ली गई। इनमें से 42% लोगों का ये मानना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। दरअसल लोगों से सवाल पूछा गया था कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है। इसमें 42% लोगों का ये मानना है कि हाँ, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान होगा। वहीं 18% लोगों का ये कहना है कि इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर 29% लोगों की माने तो कांग्रेस को इससे नुकसान होगा ही नहीं। बताते चले कि सर्वे इसी पर आधारित था कि सचिन पायलट क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर उनके इस कदम से कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा। इस सर्वे के मार्जिन ऑफ एरर की बात करें तो प्लस माइनस 3% से 5% तक हो सकता है। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव है, ऐसे में पायलट की इस यात्रा में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के बाद सरकार रिपीट के गहलोत के दावे को झटका लग सकता है, क्योंकि अगर इस यात्रा से कांग्रेस को नुकसान होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। फिलहाल पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान अपना रुख साफ नहीं कर पाई है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि लगातार अब पायलट के बगावती सुर ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को दोबारा मौका देने के लिए 100 बार सोचेगी। हो सकता है कि इस बार सचिन पायलट ही सीएम पद के उम्मीदवार रहें, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा अड़चनें नजर आ रही हैं। सचिन पायलट जिस तरीके से बगावती सुर अपना रहे हैं, ऐसे में आलाकमान खासा नाराज है। इस सर्वे में साफ बताया गया है कि इस यात्रा से सचिन पायलट के इस कदम से सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, और ये नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत को दे सकती है। फिलहाल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो ऐसे में अब राजस्थान में पूरा मौका तलाशने में जुटेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब लगातार दावपेच जो है वो कांग्रेस में कांग्रेस के खेमे में आग लगाने के लिए, फूट लगाने के लिए देख रही है। और वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान में कैसे सरकार बनाए, राजस्थान की कुर्सी अपने नाम कैसे करे भारतीय जनता पार्टी, इससे भी सोच विचार करके चल रही है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।